हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है मीरा हर्बल हेयर वॉश पाउडर के ऊपर। तो पहले आपको पता था कि हम आंवला, रीठा, शिकाकाई से कितना बाल धोया करते थे, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड आप सबको उसके फ़ायदे भी पता है कि आंवला, रीठा, शिकाकाई धोने से हमारे बालों का कलर मेंटेन रहता है, बाल स्ट्रॉन्ग, लंबे, काले, घने होते हैं। बट आजकल किसी को भी टाइम नहीं है वो प्रोसेस फॉलो करने का, रात भर भिगो उसको, बालो एंड उसके बाद हेयर वॉश करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो मीरा हर्बल पाउडर है ये हमको वही सब चीज़ें देता है, बट कन्वीनियंस ये है कि आप डायरेक्टली इसको शैम्पू के रूप में लगा सकते हैं, आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीरा हर्बल शैम्पू के हिसाब से आयुर्वेदिक बोलते हैं कि आपके जो बॉडी में हीट होता है उसकी वजह से आपके हेयर फॉल होते हैं, तो वो बॉडी हीट को कम करने के लिए ये पाउडर काम आता है, जिससे आपकी बॉडी कूल होगी, इसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम होगा। सो ये ना ही सिर्फ हेयर फॉल के लिए उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, बट आपके बालों को कलर मेंटेन रखने के लिए, आपका डैंड्रफ को दूर रखने के लिए, आपके कोई भी हेयर से, स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए मीरा हर्बल शैम्पू अच्छा है। तो इसमें 7 हर्ब्स एंड प्लांट्स ऐसे यूज़ किए गए हैं, जैसे आंवला, अरीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, फेनुग्रीक मतलब मेथी दाने, और भी कई लीव्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये अच्छा हर्बल पाउडर है हेयर वॉश के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ये लंबा प्रोसेस को काटना चाहते हैं। डायरेक्टली आप जैसे शैम्पू करते हैं उसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये यूज़ कैसे करना है। एंड उसके बाद आते हैं कि मेको यूज़ करने के बाद इससे क्या अच्छा लगा इसके बारे में और क्या बुरा लगा। दो आपको लगेगा कि पाउडर फॉर्म में आप कैसे शैम्पू कर सकते हैं। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हुई थी जब लाई थी कि हमको लिक्विड शैम्पूज यूज़ करने की आदत है, तो पाउडर को हम शैम्पू कैसे बनाएं, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको शैम्पू बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कितना आसान है इसे हेयर वॉश करना। अब मैं आती हूँ उसके रिव्यू पार्ट पे। ये जो आप मेरे बाल देख रहे हैं अभी, ये आफ्टर ड्राइंग है, तो ये दूसरा दिन हो चुका है, कल मैंने धोया था, ये नेक्स्ट डे है जो मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं। और आपको मैं अगर इसके प्रोस के बारे में पहले बताती हूँ कि मुझे शैम्पू लगाने ही कि पाउडर शैम्पू लगाने की कि इतना अच्छा काम करेगा, बहुत ही ईजी था लगाना, इनकन्वीनियंट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ही रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखा था, और उसके बाद जैसे ही नॉर्मल शैम्पू करते हैं, मतलब इसके लिए मुझे एडिशनल शैम्पू कुछ लिक्विड नहीं लेना पड़ा, इसी में ही अगर आप पानी डालोगे तो इतना अच्छे से लैदर होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई हर्बल पाउडर है, ऐसे लगेगा आप शैम्पू ही यूज़ कर रहे हैं। तो एक मिनट के लिए मुझे डाउट हुआ कि ये पाउडर ही है कि मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लैदर हुआ और बाल भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए। और उसके बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी हर्बल फ्रेग्रेंस, आपको तो शैम्पू जैसे टिपिकल स्मेल नहीं आएगी और बाल बहुत सॉफ्ट फील होंगे इमिडिएटली आपको हेयर वॉश के बाद, आपके जो टेक्स्चर एकदम सॉफ्ट, वैसे हम लोग जो यूज़ करते थे तो बहुत रूखा रूखा ड्राइनेस फील होता था, इससे मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हुआ। बट हाँ, अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो मुझे थोड़े बाल फ्रिजी लगे, तो उसके लिए आपको सिरम यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक दो दिन आप जैसे रखोगे, जैसे मैं ह्यूमिड क्लाइमेट में रहती हूँ तो फिर मेरे दो दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन
अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपको सीरम यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ऑयल लगा के ये लगाते हो तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा देगा ये। तो मुझे एज़ अ शैम्पू ये बहुत अच्छा लगा, बहुत कन्वीनियंट लगा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको हर्बल शैम्पू चाहिए और आपको एकदम बाल जैसे शैम्पू करे हुए हैं वैसे ही लगेंगे, बट ये है कि आप केमिकल की जगह ये सब हर्बल शैम्पू यूज़ करेंगे, बस ये फ़र्क होगा। अगर आपको मैं रेकमेंड करूँ तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। 70 या 80 रुपीज़ का मुझे ये बॉक्स मिला था जिसमें मैं आराम से 8 से 10 बार वॉश बाल कर पाई। अगर आप रेट वाइज पूछे तो बहुत इकोनॉमिकल है, इजीली अवेलेबल है, हर्बल है, सो हम केमिकल से दूर हैं। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, एक्सेप्ट कि थोड़ा फ्रिजी कर लेता है बाल को, बट टेक्सचर और आपको स्मूदनेस फील होगी, आपको एकदम रूखे बाल फील नहीं होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है एंड आई वुड रिकमेंड आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बट ऑयलिंग करके वॉश करें तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, मैंने डायरेक्टली वॉश किया हुआ बताया है, बट आप ऑयलिंग करके करेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि अच्छे से ये रिंस करेगा, मतलब अच्छे से लैदर करेगा, तो ऑयल अच्छे से निकल जाएगा और आपके बाल भी स्कैल्प भी एकदम क्लीन फील होंगे वॉश के बाद। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।